बात करते हैं करिश्मा अग्रहरी की, जो लखनऊ की रहने वाली है और जिनके सपने आसमान को छूने के लिए बेकरार है, जिनसे बात की हमारी रिपोर्टर शालू अवस्थी ने। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, पूरा का पूरा आसमान अभी बाकी है। ऐसे ही आसमान की तलाश में है लखनऊ की करिश्मा अग्रहरी, जिन्होंने कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया और आने वाले समय में उनके कई प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। उनके अब तक के सफर में और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हम उनसे बात करेंगे। करिश्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि करियर की शुरुआत आपकी कैसे हुई? बेसिकली जब मैं बहुत छोटी थी, ऑलमोस्ट 3 साल की थी, तब मेरे फैमिली ने रियलाइज़ किया कि हाँ, इस बच्ची में मतलब गा सकती है या कुछ ऐसा। तो फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, बट बहुत ज़्यादा एम्फसाइजेशन नहीं था उसमें, क्योंकि मेरी फैमिली में बेसिकली ये है कि मेरे डैडी डॉक्टर हैं, मेरी दीदी डॉक्टर हैं, सो स्टडीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इन कंपेरिजन ऑफ म्यूज़िक। तो फिर मेरा म्यूज़िक बेसिकली मेरे 12th के बाद से स्टार्ट हुआ, जब मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर भातखंडे में म्यूज़िक इन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जब मैंने अपना एडमिशन लिया, उसके बाद मुझे पहला रियलिटी शो ब्रेक मिला। वो फोक सिंगिंग रियलिटी शो था DD UP के लिए, तो उस शो का नाम था माटी के बोल। अनफॉर्चुनेटली पहले रियलिटी शो में मैं टॉप 6 तक पहुँच गई। फिर उसके बाद से फिर धीरे धीरे मेरा म्यूज़िक करियर ऑलमोस्ट वैसे ही स्टार्ट हुआ, फिर और चीज़ें ऐड ऑन होती गई उन्होंने। और आज बोलते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो उसकी स्टेज की ज़रूरत होती है, पर आजकल के लोग स्टेज अपना खुद बना सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। तो आपने कैसे, आपने जैसे अभी बताया कि यूट्यूब पे भी काफ़ी सॉन्ग्स हैं आपके जो पॉपुलर हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ जानना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर स्टेज नो डाउट बहुत ज़रूरी है, बट स्टेज पाने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो YouTube उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे लिए भी प्लस ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ था। मेरा पहला कवर था समझावा, ये आपका बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, तो मैंने पहला कवर डाला था, उससे मुझे ठीक ठाक व्यूज़ मिले, पॉपुलैरिटी मिली। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट कवर मैंने डाला ये कसूर मेरा, ये मेरा खुद का वर्जन था, पियानो वर्जन, और टचवुड वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट MTV नेस्कैफे लैब्स उसने उस वीडियो को बहुत प्रमोट किया, मुझे उसके लिए स्टार ऑफ द वीक का अवार्ड भी मिला। सो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे बैंड ने, मेरा खुद का रॉक बैंड है कॉल्ड सेक्रेट लीफ, तो हम लोगों ने एक भोजपुरी का पॉपुलर सॉन्ग है लॉलीपॉप लागे लो, ऑलमोस्ट शायद सभी ने सुना होगा, तो उसका हम लोगों ने रॉक वर्जन बनाया था, एक फीमेल इंग्लिश रॉक वर्जन। तो उस वर्जन को बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, ऑलमोस्ट 60,000 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स भी हमारे अच्छे खासे हो चुके हैं, और उसके चलते ही हम लोगों को मुंबई से भी कई सारे कॉल्स आए हैं, और शायद बहुत ही जल्दी किसी मूवी में भी वो गाना हम लोगों को सुनने को मिल जाए। सो होपफुली आई एम थिंकिंग फॉर दैट। जैसे आपने बात की लॉलीपॉप गाने की, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ वो गाना, तो जो आपका वर्जन है रॉक वर्जन वो हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जब लगाती हूँ मैं लिपस्टिक, हिल जाता पूरा डिस्ट्रिक, ऑन द टॉप लगती हूँ मैं, ऑन द टॉप लगती हूँ, आई एम स्वीटर, I'm sweeter, I'm sweeter, more than a candy floss, a lollipop lagti hai. Jab lagati hu main lipstick, hil jata pura district. Jab lagati hu main lipstick, hil jata pura district. On the top lagti hu main, on the top lagti hu, I'm sweeter, I'm sweeter, I'm sweeter, more than a candy floss, a lollipop lagti hu. I'm sweeter, more than a candy floss, a lollipop lagti hu. जब
बिल्कुल एकदम रॉकिंग वर्जन था आपका। आई होप बिल्कुल दर्शकों को भी पसंद आएगा। अब आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके, कहाँ कहाँ आपको सुनने को मिलेंगे? द वॉइस के बाद, रियलिटी शो के बाद अचूक मुझे बहुत से लोगों ने पसंद किया, मेरे फॉलोवर्स काफ़ी हो गए हैं, फैन फॉलोइंग अचूक धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी तो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यूट्यूब का ही है, यूट्यूब कवर्स, सिंस उसमें मुझे पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली तो आई थिंक उसको जितना और एमलगमेट करूँगी उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट मेरा कवर वीडियो है, ये पुराना गाना है, रेट्रो नंबर है, आओ हुजूर, आप लोगों ने मैं भी सुना हो, तो इसको भी कुछ अपना एसेंस डालकर थोड़ा सा चेंजेस करके वो आओ हुजूर भी हम लोगों ने किया, तो मैं आपको उसकी दो लाइनें सुनाऊंगी। हुजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ करिश्मा अग्रहरी, जिनका मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो स्टेज आप खुद से भी बना सकते हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके अंदर टैलेंट है और वो यूट्यूब को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर उसमें अपना टैलेंट शो करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रेश्वर सिंह के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे, लखनऊ। I'm sweeter more than a candy floss lollipop, lagti hu I'm sweeter more than a candy floss lollipop, lagti hu। आज का ये एपिसोड आपने खूब एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, आज के मनोरंजन लाइव में बस इतना है, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ढेर सारी नई चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप रखिए अपना ख्याल और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।